13 रजब आप दी वालिदा माजदा हजरत फातिमा बिनते असद आप फरमांदियां ने मैं तवाफे काबा पे करदी सां, मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम मेरे शिकम दे अंदर सन, मैं काबे दे 3 चक्कर लाए ते तकलीफ महसूस कीती ते मेरे चेहरे ते पसीना जाहिर हो गया। नबियां दे इमाम भी तवाफे काबा पे करदे सन, हजूर तशरीफ लैके आए, हजूर ने फरमाया चाची जान मैं महसूस करना पिया कि तुहाडे चेहरे ते जिहड़ा पसीना आया है कोई तकलीफ की वजह तो है। आप आंदियां ने मैं दस्या ए कैफियत है, हजूर ने फरमाया अगर तुसी तवाफ नहीं पूरा किया तो तवाफ कर लो, अगर तकलीफ ज्यादा महसूस करो तो अल्लाह का राज है काबे के अंदर तुसी तशरीफ लै जाओ। हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमा दिया जिस वे इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनी गल की ताजदार अरब आजम वाली कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चाची जान आप आंदियां ने मैं चौथे चक्कर ते आई हां, तकलीफ वध गई, दर्द ज्यादा मैं महसूस करन लग पई, मैं काबे दे अंदर चली गई, अल्लाहू अकबर कबीरा, जिस वेले काबे चो बाहर आई हां आप दी गोद दे अंदर रसूल पाक दे प्यारे यार फाते खैबर सदुल्लाहु अलैहि तुराब शाकारे शुजात हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ने आप फरमांदियां ने मेरे बेटे का चेहरा बड़ा नूरानी है, मैं बेड़िया पे पेशानी विचों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने, चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा नूरानी है, मैं टिकटकी ला के बेंदी रही अल्लाह अकबर कबीरा, एक काबे अंदर आउण दा आजाद हैदर करार नू मिले आए और मस्जिद के अंदर खल के हकीकी नाल मिलन दा आजाद भी मौला अली दे कोल है, ऐसे तो किसी दीवाने ने आके काबा है और जाए विलादत अली की है काबा है और जाए विलादत अली की है है मस्जिद में अल्लाह अल्लाह मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली की है अल्लाहु अकबर कबीरा है। दूसरे दीवाने ने कि कलम चुकिया उन्हें आख्या मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा काबे दे अंदर आना बड़ा आजाद है, मस्जिद के अंदर मालिक नाल मुलाकात बड़ा आजाद है, काबे च विलादत हैदर दी का विलादत है दर्दी ओए मस्जिद च शहादत है दर्दी फरमान है कंबली वाले दावे फरमान
अल्लाह अकबर कबीरा हजरत फातिमा बिन्त असद अलिया ने बेटा अल्लाह ने अता फरमाया सोना बनाए नरगसी नहर ने। अल्लाह अकबर कबीरा चमकदार पेशानी है मैं बेंदी रही मुबारक आउंदियां रहियां मैं बड़ी परेशान हो गई ऐ फातिमा बिन्त असद परेशान क्यों होइया अगे बच्चा बड़ा सोहना है पर अखा नहीं सी पिया खोलदा एनी देर च रहमत आलम आ गए अल्लाह दा हबीब आ गया जग दा तबीब आ गया जड़े बोलते ने उन्हां दा भी आका तशरीफ ले आया जड़े चुप करके दड़ वट के बैठे हो तड़े दे बड़े पक्के हो बोलो ना लेकिन मैं ते अपना टाइम पूरा करके जावांगा हैदर करार दी गल सुना के जावांगा आप आंदियां ने नबियां दा इमाम आया मेरे करीब आए हजूर पुछदे ने चाची जरा बच्चा ते विखा मैं आनिया भतीजिया सोनिया बच्चा बड़ा सोहना अल्लाह ने अता फरमाया है चेहरा बड़ा नूरानी सोना बड़ा है पर अखा नहीं पिया खोलदा तेरे ते मेरे प्यारे आका ने एक अख चाची वल कीती दूजी नजर हैदर करार वल वेख्या हुजूर फरमा देने मैं मुहम्मद जान गया वा मैं जान गया अल्लाह अकबर कबीरा कैसे बख्त मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम दे अल्लाह दे नबी ने गोद विच उठाया गोद विच जिस वेले हुजूर ने उठाया मौला अली ने अखां खोल लिया हैदर करार ने अखां खोल लिया अखां खोलिया निगाह रुखे मुस्तफा ते जा पई वक्त गुजरदा गया एक दिन हुजूर मौज विच बैठे ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया अली तेरे कोलो यार एक गल पुछा आका जी पुछो हुजूर फरमा देने जदो तोड़ी मैं नहीं आया तू अख क्यों नहीं खोली अली ने अज करके रुखे मुस्तफा नु दोबारा वेखिया रदी अल्लाह तआला हो अर्ज कर देने सोनिया जानते भी हो पुछ सोनिया मैं सदके जावा जानते भी हो पुछते भी हो अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं जानता ते जरूर हाँ पर मैं पूछना चाहना देर जो होई है अज ख्याल आया है अली को दोबारा पूछा अर्ज की थी सोनिया मैं अली दी हसरत सी जदो मैं आलमे शाहत दे विच अख खोला जदो मेरी अख खुले अबू तालब दे पुत्र दी जदो अख खुले दुनिया विच किसे होर नु ना वेखा सब तो पहले मैं यार दा मुख हुजूर फरमा देने अली फिर उच्चे पिया वेने जिवें पहली मरतबा वेख्या सी अगे सोनिया मैनू ख्याल आ गया कि मैं चेहरे उत्तो सकदा मैनू वेख लो तुसी हक नू वेख लिया है किवें चेहरे आए उतो नजरा हटावा के तेरे विचों रब दे स
सजा जी कर दे आका जी कर दे के तेनु वेख जावा के तेरे विचो रब दे अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर फरमा दे ने फिर उंजे पिया वेखणा अली जे उस दिन वेख्या सी अल्लाह अकबर कबीरा के सोने हां नज़मा पता ते ना ओदो दिल करदा सी ना अज पिया जी उस यार के चेहरे से निगाहें सुभान अल्लाह सारे बोलिया करो ए उस हजूर दे आशिक दा जिक्र है जिदा ना सुन के कुफर ते लर्जा तारी हो जाए ते तुहाडे ते नहीं उंजे हैबत तारी होनी चाहिए मुहब्बत आले बंदे दी ते रूह दी आवाजा निकलनी चाहिए कारी साहब तुसी पिछे बैठे हो मैनू ना अंदरों भाव लिया पंदा मैं दा जरा सैड ते आ अल्लाह अकबर एक मर्तबा ना आप एक मजलिस दे विच तशरीफ फरमा सन कूफे दे अंदर एक नौजवान आया लोकां नू पुछदा है मैं अजनबी हां ते मैं हजरत अली नू वेखन आया वेखो राणा साहब दी ओ नुकरो सुभान अल्लाह दी आवाज आई है दूजे चौकर फिर ओनू वेंदे ने ए फिर सारे पता नहीं आंदे ओनू वेखदे ने केड़ा बंदा है एडी दलेरी किन्ने कीती है सारे बोलिया करो ओ एक बंदा सी ना तकरीर करे पिया कारी साहब ओ पुठियां सीधियां तरजा लाए सुरां ना उल्टियां पुल्टियां एक बंदा दीवाना सी दीवाने नूं ना पता लगता कित्थे बोलना वो आंदा वेखो इंज तकरीरां करी दियां जी वो विचों एक सियाना उठिया उन्हें आख्या की आ कि उन्हें आख्या इंज तकरीरां करी दियां ने इंज दियां तकरीरां बड़ियां औखियां हुंदियां ने उन्हें आख्या जी इंज दियां करनियां औखियां ते इंज दियां बह के सुननियां भी बड़ियां औखियां मैं चलना वो कम ते नहीं बनिया मैं तो कोशिश करन रहा कोई उंज दा कम ना बन जाए जिहदे नाल ना तुहानूं जाना पै जाए अल्लाह अकबर कबीरा जिस वेले ओ नौजवान आया कूफे दे अंदर उन्हें आख्या ऐ बैन वाले ओ मजलिस दे अंदर मैं मौला अली नू वेखन आया बड़ी दूरों आया मैं सुनया उन्हें खैबर दा दरवाजा उखाड़िया है कमजोर वजूद वाला है लेकिन ताकत बड़ी रख दे सारे इलाके अंदर ओदी धुम पई है मैं वेखन वास्ते आया उस वेले आप दी दाढ़ी दे अंदर सफेद वाल मौजूद सन सुभान अल्लाह सामने आके ना लोग आख्या जेड़ा तख्त ते बैठा है ना ओ ही हैदर करार है ओ या फातिह खैबर ओ या ओ ही फातिह खैबर है रावी आंदा उस वेले आप अखरोट खांदे सन ते दंद ते थले ना अखरोट चबांदे सन ते महसूस हुंदा सी कि जोर लग रहे है करीब आके ना ते बैठ गया आपने वेख्या फरमाया नौजवाना अजनबी लगना है सुभान अल्लाह किथों आया है किवें आया है उन्हें आख्या बाबा जी गल है तो मैं अजनबी हाँ आया वेखन वास्ते सा रौले बड़े सुने ने सुभान अल्लाह रौले बड़े सुने ने लेकिन वेखन दे विच मैं परेशान हो गया अधेड़ उम्र बंदा कद छोटा वजूद कमजोर खैबर का दरवाजा उखाड़न वाला ए बंदा आप नूं जलाल आ गया सुभान अल्लाह फरमाया तू इस तो परेशान हो गया कि मैं अखरोट त्रोड़ना ते तू मेरे चेहरे तो महसूस पिया करना है कि जोर लांदे ने पए ए बंदा ते अखरोट बड़ा औखा पिया तोड़दा ते खैबर दा किवें फतह कीता किला अल्लाह अल्लाह सदके जावा जिस वेले हैदरे करार ने गल सुनी आपने फरमाया ओए अखरोट नो ख्याल करन वाले आ मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं अली उल मुर्तजा वा जिस वेले मैं खैबर दा दरवाजा उखाड़िया है ओदो मुहम्मद करीम दी निगाह सी आपने फरमाया मेरी ईमान दी ताकत सी आपने फरमाया ए जेड़ा मैं अखरोट चबाना पिया एदे नाल रूहानी ताकत नहीं ए मैं अपनी जिस्मानी ताकत फैलाना वा आपने फरमाया तू मेरा चेहरा देखया है अधेड़ उम्र बुजुर्ग है इन्हें किवें खैबर दा दरवाजा
दरवाजा उखाड़ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम अली जो जो बुजुर्ग होता जाएगा, फरमाया मेरा ईमान भी और नई मजबूती पकड़ता जाएगा। आपने फरमाया आज भी कितने खैबर ले गया, आज भी खैबर भी खा मैं अली, आज भी दरवाजा ऊंचा ही पट दिया गया, आज भी ऊंचा ही पट दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कबीरा, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया मैं आज भी दरवाजा ऊंचा ही उखेड़ दिया गा, आज भी खैबर मेरा ना सुन के ना लरज जाए ते मैनू हैदर किन्ने आखना है। गैब तो आवाज है इंजे ते ने सने आउंदी है शाह मरदा शेर यस्ताए ओए कुवते बरी बरी जंगजू आए, बड़े बड़े दलेर आए, मावां ने बड़े बड़े जोशीले पुत्रां नूं जन्म दिता, बड़ी बड़ी ताकत आले आए, लेकिन किसे नूं अल्लाह दी बारगाह विचों ए अज़ाज नहीं मिलिया। शाह मरदा शेर यज़दा ओए कुवते बड़ी बड़ी बेमिसाल, आप दा किरदार बेमिसाल,